नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय। सर, हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोला गया भाई यहाँ पे? आपसे बोला गया कि बॉम्ब मूविंग विथ वेलोसिटी है ना, एक बॉम्ब, बॉम्ब मतलब जानते हो ना, हाँ बॉम्ब लग दी मैंने, तो बॉम्ब जो है वो मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से भाई आपका? बोला गया कि 40i + 50j - 25k कैप, ठीक है। और आगे बोला गया कि एक्सप्लोड इनटू टू पीस ऑफ मास, रेशियो 1:4 दे रखा है ना। अब ये दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक। तो एक बना छोटा वाला और एक बना बड़ा वाला। तो मान लेते छोटे वाले का जो मास है वो स्मॉल m है, ठीक, और जो बड़े वाले का जो मास है, इसका बड़े वाले का जो मास है वो 4m है ना। तो रेशियो आ जाएगा कितना अपना भाई यहां पर, 1:4, ठीक। और ये जो इनिशियल था उसका मास मैंने बोल दिया बेटा कैपिटल एम। अब कैपिटल एम कितना होगा कि 4m + m मतलब 5 स्मॉल एम के बराबर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि ये जो छोटा वाला है इसकी वेलोसिटी, इसकी कितनी वेलोसिटी है कि 200 i कैप + 70 j कैप + 15 k कैप m/s, m/s है ना। तो हमसे बोला गया कि भाई साहब इसकी वेलोसिटी बताओ, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो मैंने लिखा कैपिटल एम है ना, मैं लिख देता हूं, मैं यहाँ क्या यूज कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल एम इंटू यू इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू वी वन प्लस 4m × v2, ठीक। अब यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू की बात करें तो 5 कैपिटल एम की बात करें तो 5 स्मॉल m, और यू की बात करें बेटा तो 40i + 50j - 25k, ये बनेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू वी है ना। अब वी की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 200i + 70j + 15k है ना, और आ जाएगा +4m v2। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे v2 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। कैसे कि देखो यहाँ पे ये 200m हो जाएगा, और यहाँ पे 40 × 5 ये भी 200m हो जाएगा। तो i वाला जो है वो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एम एम पूरा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक। ऐसे ये कितना हो जाएगा भाई अपने, जे कैप की अगर बात करें यहाँ पे तो 55 है ना, 50 दे रखा है ना इसका, ठीक। और कितना ही है, 5 है, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, और डिवाइड बाई 4 करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 45 जे कैप आएगी, आई कैप 0 हो जाएगा बेटा अपना, और के कैप में आएगी -35 k कैप, ठीक है। यह वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल रखी थी, आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं इजिली। तो ये हुआ अपना आंसर, कौन से का, ये जो सेकंड वाला ब्लॉक था उसका आंसर, उसकी जो वेलोसिटी है वो मिल गई अपने को, ठीक है। तो अपन ने क्या यूज किया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज किया, ठीक। तो इस टाइप से अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि कर वाला तो हो वाला। थैंक यू।